अच्छा जी बेटा, इसी क्वेश्चन का जो है ना एक नेक्स्ट पार्ट है, यही क्वेश्चन है, उसी का आगे कंक्लूजन है, जो कि आगे लिखा है कि क्या वेल्सी क्या शो करना चाहती थी अपने न्यू क्रिटिसिज्म में, कि रीडर की पार क्या होती है। यही न्यू क्रिटिसिज्म में उसने एंड पे हमने मतलब कंक्लूजन बहुत शॉर्ट सा यहाँ पे दिया हुआ था, इसी का बेटा ये नेक्स्ट जो है आप समझ लेंगे, उसी के अंदर उसने रीडर पार जो है उसको डिफाइन किया था कि आइडियोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर हावी हो जाती है और एज और आइडियोलॉजी के हिसाब से हम टेक्स्ट को जो है क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं, एजेस के साथ साथ जनरेशन टू जनरेशन आपके वर्ड्स आपका टेक्स्ट चेंज होता है, जिसकी वजह से उसके मीनिंग्स भी चेंज होते हैं, उसकी परसेप्शंस भी चेंज हो जाती हैं। और उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और उसकी एग्जाम्पल के बारे में हमने पढ़ा कि जिस दौर में मिल्टन की जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई थी, उस दौर में जो है रीडर जो था अपनी एज और आइडियोलॉजी के हिसाब से सैटन को विलन और डेविल कंसीडर करता था। लेकिन एक रेनेसेंस मैन, रेनेसेंस एज के अंदर हमने देखा कि सैटन को एज अ हीरो, हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये क्वेश्चन आया। तो बेसिकली सैटन को एज अ हीरो जो है वो बना दिया गया। तो इट मींस कि टेक्स्ट की जो मीनिंग्स हैं एज टू एज चेंज होते हैं, उस वक्त की आइडियोलॉजी के हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या था, पैराडाइज लॉस्ट था, ठीक है, और आइडियोलॉजी के हिसाब से उसने कहा था ना कि आइडियोलॉजी, हमने कंपेयर एंड कंट्रास्ट पढ़ा था या रिलेशनशिप पढ़ा था सब्जेक्ट और आइडियोलॉजी का। बेटा ये बहुत स्ट्रांग एग्जाम्पल है सब्जेक्ट और आइडियोलॉजी की, कि सब्जेक्ट उसका पैराडाइज लॉस था, उसने फॉल ऑफ सैटन दिखाया था एज वेल एज फॉल ऑफ एडम, ठीक है, लेकिन उस आइडियोलॉजी के हिसाब से उस टेक्स्ट के मीनिंग्स भी चेंज हुए, ठीक है। इट मींस के आइडियोलॉजी इज सुपीरियर देन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो एट दैट टाइम सुप्रेस हो जाता है, क्योंकि उस दौर की जो एक थिंकिंग मोड होता है, उस दौर का एक जो ट्रेडिशनल थिंकिंग मोड चल रहा होता है, उसके आगे सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो दब जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट इज अ वेरी मतलब क्लियर कट एग्जांपल के भाई इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे वही रीडर बार की वो आगे बात कर रही है कि क्या होती है भाई रीडर बार और कैसे वेल्सी जो है वो प्रूव करती है अपने ऐसे में रीडर बार, और ये जो डिफरेंट क्रिटिक्स ने कहा, क्लेनेथ ब्रुक ने कहा और बहुत से क्रिटिक्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, उन्होंने जो कहा नहीं जी टेक्स्ट ही सारा कुछ होता है और जो पोएम है उसके हिसाब से सिर्फ टेक्स्ट समझा जाता है वगैरह वगैरह, और ये जी आप जो है इसको कंफ्यूज ना करें। क्लेनेथ ब्रुक ने यहाँ तक कह दिया, उसने कहा जी बायोग्राफी को और साइकोलॉजी को आप टेक्स्ट के साथ कंफ्यूज ना करें, उसको आपस में मिंगल अप ना करें, टेक्स्ट एक डिफरेंट चीज है और बायोग्राफी और साइकोलॉजी डिफरेंट चीज है। और कैथरीन बेल्सी ने इन सारी चीजों को न्यू क्रिटिसिज्म में जो है वो डिसअप्रूव कर दिया, उसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं। अब यहाँ पे वो पावर ऑफ रीडर की बात करती है, जब उसने ये सारी चीजें डिसअप्रूव कर दी, उसने पावर ऑफ रीडर की, उसने कहा नहीं भाई ये रीडर होता है जो अपनी एज और आइडियोलॉजी के हिसाब से टेक्स्ट को जज करता है, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ रीडर इन क्रिटिसिज्म, जिसमें हमने याद है आप लोगों को मैंने बताया था हार्ट ऑफ द डार्कनेस में आपको एक थियोरी पढ़ाई गई थी, दैट इज द रीडर्स पावर थियोरी, और सॉरी रीडर क्या था उसमें, रीडर्स पावर थियोरी थी, कौन सी थियोरी थी जो आपको पढ़ाई, रीडर्स रेस्पॉन्स थियोरी, ठीक है। उस रीडर्स रेस्पॉन्स थियोरी में क्या था कि हमने उसमें दो व्यू पॉइंट्स पढ़े थे, एक यूरो सेंट्रिक व्यू पॉइंट था, एक एफ्रो सेंट्रिक व्यू पॉइंट था। तो ये रीडर की परसेप्शन होती है वो उसको कैसे लेता है, चिनियो एशिबी का यही था ना कि चिनियो एशिबी ने फिर एंड पे जाके जो है उसको गालियां दी थी जोसेफ कॉनराड को कि भाई तुमने हमें जो है ब्रूट्स क्यों कहा, तुमने हमें ब्लैक्स क्यों कहा, तुमने हमें निजर क्यों कहा, उसने यही बात की थी ना कि तुम लोग, तुमने तो हमें इतना ज्यादा मतलब लोअर लेवल पे तुम ले आए, हमारा अपना एक हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है। तो उसने उसके जवाब ने में हार्ट ऑफ डार्कनेस के जवाब में उसने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी थी, और उसके अंदर उसका मेन एम्फेसिस देखा था क्या था, उसने उसके अंदर पूरा कल्चर दिखाया था कि वहां की जो थिंग्स फॉल अपार्ट में जो नाइजीरिया का मेन कल्चर था वो क्या था। तो वो एक एफ्रोसेंट्रिक व्यू पॉइंट था,
और जब हम जोसेफ कॉनराड की बात करते हैं तो उसने यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट लिखा था। उसने यूरोसेंट्रिक व्यू पॉइंट के यूरोप जो है वो अफ्रीकन्स को या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कैसे देखता है और ये वो, उसके जवाब में रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी थी। रीडर्स ने कुछ ने कहा कि कॉनराड जो है वो रेसिस्ट है, ठीक है, कॉनराड रेसिस्ट है और उसने ये क्या है, ये रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी है। कुछ ने कहा नहीं, उसने जो है इंपीरियलिज्म को हाईलाइट किया था, ठीक हो गया। तो कुछ देखें, एक तरफ चिनिया एचे भी था जिसने कहा कि नहीं भाई वो जो है कॉनराड रेसिस्ट है, वो उसने जो है हमें बहुत ये समझ लिया। एक्चुअली दैट इज द रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी, जो रीडर पढ़ता है वो उसको वैसे ही इंटरप्रेट कर देता है। आपके और मेरे जैसा बंदा पढ़ेगा, हम कहेंगे नहीं, वो रेसिस्ट नहीं था, इस कॉनराड रेसिस्ट और नॉट, ठीक है। अक्सर आता है ना कि क्या थीम ऑफ रेसिज्म है, उसके अंदर उसने रेसिज्म दिखाई है या नहीं दिखाई, ये सारी चीज। तो फिर हम ये चीज देखते हैं कि दैट इज द रीडर्स रिस्पॉन्स थ्योरी, कि एक रीडर जब कोई भी टेक्स्ट पढ़ता है वो अपने हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से और अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उस टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट के मेन सब्जेक्ट को वो इंटरप्रेट करता है, ठीक है, उसको एनालाइज करता है, उसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करता है। दैट इज बेसिकली रीडर बार, इसको वो रीडर बार कहती है, कैथरीन बेलफी, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे देखें, द रोल ऑफ रीडर इन रिलेशन टू लिटरेरी टेक्स्ट गेन इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस एज वन ऑफ द चैलेंज टू एक्सप्रेस रियलिज्म थ्रू द वर्क ऑफ सेवरल क्रिटिसिज्म इन बिगिनिंग ऑफ 1960। अब यही रोल ऑफ रीडर जो मैंने आपको बताया, ये एक जनरल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब इसको थोड़ा सा समझ लें, हम टेक्स्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे वो कहता है कि रोल ऑफ रीडर इन रिलेशन टू लिटरेरी टेक्स्ट जो है उसको इम्पोर्टेंस मिली, सिग्निफिकेंस एज वन ऑफ द चैलेंज टू एक्सप्रेसिव रियलिज्म, ये वो सिग्निफिकेंस है जो कि एक चैलेंज है टू एक्सप्रेसिव रियलिज्म थ्रू द वर्क्स ऑफ सेवरल क्रिटिक्स इन द बिगनिंग ऑफ 1960। The reader's response criticism, as they propounded, has become significant development in 20th century. 20th century में जो है 20th century critical practice में हमने ये reader response criticism या reader response theory के बारे में हमने पढ़ा था। Belsey has summarized the benefits of this approach as reader response theory को ही वो बयान करती है। As its best interest in the readers is entirely liberating a rejection of authorial tyranny in favor of participation of the reader in the production of the plurality of meanings, and if it's these effects as supporting and developing a raw authority figure which has described as reader theory mainly constructs a new authority figure as guarantee of a single meaning as used unless transcendent highly trained model reader who cannot be wrong. वो कहती है यहाँ पे, as its best interest is the in the reader is entirely liberating a rejection of authority, कि इसमें जो है best interest in reader क्या है कि वो liberate is entirely liberating a rejection of authorial tyranny, कि वो जो है totally reject कर देती है एक authorial tyranny को in favor of participation of the reader in production of plurality of the meaning. कि वो फेवर करती है पार्टिसिपेशन ऑफ रीडर को इन प्रोडक्शन ऑफ प्लुरलिटी ऑफ मीनिंग, कि ये जो अब देखे ना प्लुरल हो गए ना मीनिंग्स, इज कॉनराड रेसिस्ट और नॉट, ठीक है, क्या वो वाकई रेसिस्ट था, उसके ऊपर एक चार्ज लगा था, चिनिया एचेबे ने जो उसके ऊपर चार्ज लगाए थे क्या वो सही थे, या उसने इम्पीरियलिज्म को शो किया था, उसने इम्पीरियलिज्म को एक्सपोज किया था, उसने वाइट्स को एक्सपोज कर दिया था, plurality of meanings हो गया ना, and it's these effects as supporting and developing a new raw authority figure, और ये it's these effects और ये जो plurality of meaning और उसके जो effects जो होते हैं वो उसकी production होती है as supporting and developing a raw authority figure, और वो क्या करते हैं, support करते हैं, develop करते हैं एक raw authority figure को which she describes as reader theory mainly construct a new authority figure. अब वो रीडर थ्योरी को बयान करती है जो कि कंस्ट्रक्ट करती है एक न्यू अथॉरिटी फिगर को एज गारंटी ऑफ अ सिंगल मीनिंग, गारंटी ऑफ अ सिंगल मीनिंग एज यूजलेस ट्रांसेंडेंट हाईली ट्रेंड मॉडल रीडर हु कैन नॉट बी रॉन्ग, और ये जो है अनलेस एक ट्रांसेंडेंट
हाईली ट्रेंड मॉडल रीडर है, ठीक है, अब हम रीडर्स हैं, हाईली ट्रेंड ट्रांजिशन ट्रांसेंडेंटल, ठीक है, ये चेंजिंग हाईली ट्रेंड मॉडल रीडर है जो कि गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। रीडिंग में अगर आप जोसेफ कॉनराड एज रेसिस्ट लिखते हैं ना कि वो रेसिस्ट था, तब भी बेटा आपको कोई वहां पे गलत नहीं करने लगा एग्जामिनेशन हॉल में, और वो रेसिस्ट नहीं था तब भी आपको कोई गलत नहीं कराएगा। पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न जो है वो हीरो था या नहीं था, आप उसके हक में लिख दें या उसके अगेंस्ट में लिख दें, आपको कोई वहां पे गलत नहीं कर सकता। लेकिन द थिंग इज दैट बेटा जो लिखिएगा ना, फिर आपके पास उतने आर्गुमेंट्स होने चाहिए, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये मार्क्स गेनिंग होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उतने आर्गुमेंट्स नहीं दे पाते, ठीक है, आर्गुमेंटेट और डी आर्गुमेंटेट नहीं करते, एंड पे जाके एक न्यूट्रल सा आप लोगों ने कंक्लूजन निकालना होता है, और फिर स्टूडेंट शुरू में ही लिख देते हैं हाँ भाई सैटर्न हीरो था, सैटर्न हीरो नहीं था, जोसेफ कॉनराड रेसिस्ट था, जोसेफ कॉनराड रेसिस्ट नहीं था, नहीं ऐसे नहीं होता। आप आहिस्ता आहिस्ता लेके, अब देखिए कैथरीन वेल्सी ने आपको पहले तीन क्रिटिक्स की एग्जाम्पल्स दी, उसके बाद उसने अपनी थ्योरी लिखी, ऐसे लिखते हैं आंसर को, ठीक है, दैट इज द वे किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है, किस तरीके से हम अपनी बात को मनवाते हैं। इन द आर्टिकल रीडर पार कैथरीन वेल्सी एनालिसिस briefly the development of this theory starting with W.J. Stadtoff and concluding with Isher. अच्छा जी, अब ये Isher जो है, ये जितने भी बेटा क्रिटिक्स आ रहे हैं इनको आज पेपर के ऊपर लिखें और ना दीवार पे चिपका दें, नहीं तो ये एग्जामिनेशन हॉल में ना आपके दिमाग से निकल जाने, और आगे ना क्रिटिक की थ्योरी लिख के ना अलमारियों पे चिपकाना शुरू कर दें, ठीक है, इससे बेटा आपके लिए बड़ी आसानी होगी, नहीं तो क्रिटिसिज्म भूल जाएगी आप। According to Belsey, Stadtoff's most important contribution is his propounding of the idea that text cannot be read in similar manner, ek tarike se nahi padha ja sakta, by all reader because they cannot determine across history, kyunki wo hum logon ne history puri to padhi nahi hoti hai na, there is no possibility of identical interpretation of text by various readers. But Stadtoff here is giving the idea of individual reader and his perception misses on this very important component, whereas believe that critic has an undivided power based on liking or disliking etc. To evaluate the text, there is no mention as such of an analysis of ideological and discursive reference. Stadtoff, like Wayne Booth's concept of implied author, does not make any difference from the empirical author. Stadtoff identifies readings which do not produce a required level of understanding between reader and writer as mere adjustments indirectly and involuntarily justifying. Once again, author invention, Stadtoff does not point at the ideology. Sometimes there can be no compatibility between reader and the author. अब यहाँ पे देखिए, वो Stadtoff like Wayne Booth concept of implied author does not make any difference from the empirical author. अब वो जो concept of implied author है वो empirical author से जो है उसको इससे मतलब differentiate नहीं करता इसको. Stadtoff identifies readings which do not produce a required level of understanding. वो जो है readings को identify करता है जो कि कोई required level of understanding between reader or writer जो है उसको वो कहता required ही नहीं है भाई ये understanding कि reader और writer के दरमियान कोई understanding हो, as mere adjustments indirectly and involuntary justifying, once again author intervention, और Stadtoff जो है वो ये भी वो point नहीं करता ideology के ऊपर, sometimes there can be no compatibility between reader and author, वो कहता है इन दोनों के दरमियान ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, ना उनके दरमियान कोई कंटेम्पेटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी होती है। कैथरीन क्रिटिकली सेक्रिटनाइज दिस पॉइंट रिमार्किंग दैट द प्रोडक्शन मीनिंग बाय रीडर इज दिस एसेंशियल मोमेंट बाय द रीडर एज इज थ्रेट टुवर्ड द पोजीशन ऑफ द ऑथर। वो कहती है कि रीडर वो पॉइंट समझ ही नहीं सकता जब तक कि वो ऑथर की पोजीशन को ना समझ ले और उसके हालात को ना समझ ले। What is lacking from Stadtoff analysis is the concept of role of assumptions and expectations in the production of meaning. और क्या चीज Stadtoff जो है अपने analysis में अपने conception में miss कर रहा है वो ये है
के रोल ऑफ अजम्पशंस एंड एक्सपेक्टेशंस. सबसे पहले रोल ऑफ अजम्पशन, जोसेफ कॉनराड जो है हम उसको अज्यूम करते हैं वो रेसिस्ट था, हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेसिस्ट था. ठीक है, तो ये हमारी जो है अजम्पशंस और एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग. ठीक हो गया. Stanley Fish is a famous critic of modern age. He is a strong supporter of reader's response theory, and he has given several important dimensions. His important dictum is about development and appreciation of reader power. His first major idea, reading their power, is the emphasis on the experience of the reader, and connected with the concept is the idea that what does the text will cause reader. Experience by reader is subject to variation and no text will do same thing, produce the same effect for the reader. Experience by reader जो है basic subject था, to variation वो basic subject होता है जो vary करता है, and no text will do same thing, और कोई भी text ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये reader होता है जिसकी वजह से subject जो है वो उसके meanings vary करते हैं, produce the same effect for the reader. Thus, establishing the authority of the reader as separate reader, as master of critically evaluates the text. Another important contribution by Fish is concentration on the text as on discourse. He challenges the reader to face area of difficulty regarding the reading and calls it dialect. And thus it sees the reader as active participant in the process of construction of meaning. और इस तरह से हम जो रीडर्स होते हैं ना, हम एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीनिंग में, वेयर देयर इज नो ऑब्वियस रिकॉग्निशन दैट एक्सपीरियंस इज आइडियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड. और वहां पे कोई ऑब्वियस रिकॉग्निशन नहीं होती कि वो एक्सपीरियंस कोई आइडियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है या नहीं है. The relationship between experience, language, ideology, and history is not clearly discussed by Fish. Landing is the antithesis or reverse reaction in which the reader assumes the position as new authority figure.